This is Ankit Narayan, cricket and fitness trainer. Welcome back to our channel, Safal Future. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले फील्डिंग के बारे में, फील्डिंग का क्या टेक्निक होना चाहिए, कैसे बॉल को चेज करेंगे, कैसे बॉल को आप उठाएंगे। तो क्योंकि फील्डिंग बहुत छोटा पार्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो आई हैव टू मेक अ सीरीज ऑफ इट। इस पर्टिकुलर सीरीज के ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉल को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं आप ताकि आप यू नो अच्छे से बॉल को गैदर कर सकें। So basically to keep the video short, I have discussed two points here. Pahla is long barrier, dusra is pick up and throw. So let's go straight into the first point. Let's discuss as to what long barrier is. So one will be long barrier method. Jahan pe it gets easy for us to catch, field and throw. So whenever we have to approach the ball and if the ball is faster, we have to go in a position called long barrier. To this position ko long barrier kehte hain. Jab bhi ball tez aaye, to we go in a position called लॉन्ग बैरियर, जहाँ पे हमारा पैर का पोजीशन जो है वो ऐसे रहेगा, लेफ्ट पैर ऐसा रहेगा और दूसरे पैर का नी जो है ग्राउंड पे रेस्ट करेगा, क्रिएटिंग अ बैरियर। सपोज इफ द बॉल इज फास्ट एंड आई आल्सो मूव फास्टर, आई वोंट बी एबल टू कलेक्ट द बॉल। इसीलिए व्हाट आई ऑलवेज हैव टू ट्राई टू डू इज इफ द बॉल इज फास्ट आई हैव टू गो स्लोअर टुवर्ड्स द बॉल अप्रोच एंड देन सिट डाउन इन अ लॉन्ग बैरियर मेथड। अगर आप इस पोजिशन में बैठे हुए हैं तो क्या होता है कि आपका एक बड़ा ब्लॉक बन जाता है, इट गेट्स ईजियर फॉर यू टू कलेक्ट द बॉल। और मान लीजिए कि अगर बॉल जो है आपसे आके टकराता भी है तो आपका बॉडी जो है रोक सकता है बॉल को। अगर मैं फील्डर हूं, अगर मैं इस साइड की तरफ दौड़ रहा हूं तो इट गेट्स इजियर फॉर मी टू सिट इन दिस मैनर। सो ये मेरा लॉन्ग बैरियर मेथड इस साइड होगा। अगर मैं इस साइड से उस साइड मूव कर रहा हूं तो आई विल गो इन दिस मैनर एंड इट गेट्स इजियर फॉर अस टू पिक द बॉल। उसके बाद थ्रो करना आसान हो जाता है ताकि उसी मोमेंटम में जाके उठा के रेडी हो जाए बॉल को थ्रो करने के लिए वापस विकेट की तरफ। तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप यू नो बॉल तेज आ रहा हो बाउंड्री की तरफ तो आप लॉन्ग बैरियर मेथड का यूज करें। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉल के लाइन में जाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बॉल का लाइन पहले जज करेंगे, पहले हम लोग लाइन जज करेंगे, उसके बाद वी विल गो बिहाइंड द बॉल, जिस बॉल का जो डायरेक्शन होगा उसके पीछे जाएंगे एंड देन वील ट्राई टू एडजस्ट आर से। पहला बॉल के लाइन को जज करना, दूसरा कि बॉल के पीछे जाना, वील हैव टू कवर द बॉल। एक होता है लॉन्ग बैरियर मेथड, एक होता है पिकअप एंड थ्रो मेथड, जिसमें मान लीजिए कि अगर बॉल जो है थोड़ा स्लो है कंपैरेटिवली, ठीक हो, बॉल कंपैरेटिवली स्लो है तो इस पोजिशन में हम जाते हैं वेयर वी कीप आर बैक लेग बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल, बॉल को आने देते हैं एंड वी कीप दिस एज द बैरियर एंड देन वी ट्राई एंड बेंड एंड ट्राई एंड कलेक्ट द बॉल टू गेट रेडी फॉर द थ्रो। सो ऑलवेज व्हेनेवर इफ द बॉल इज गोइंग स्लो दिस, इफ द बॉल इज फास्ट यू हैव टू गो इन लॉन्ग बैरियर मेथड। लेकिन अगर रिलेटिवली बॉल स्लो है तो आप बॉल को चार्ज करेंगे एंड देन वील ट्राई टू गो इन दिस पोजिशन वेयर वील कलेक्ट द बॉल इन फ्रंट ऑफ योर बैक लेग। ऐसे बॉल को कलेक्ट करेंगे एंड सी वी आर ऑलरेडी इन द पोजिशन ऑफ थ्रोइंग द बॉल, सो यहाँ पे बॉल कलेक्ट करना ईजी हो जाएगा हमारे लिए वापस थ्रो करना। इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि मैं ऐसे फील्ड करने जाता हूँ, तो अगर मैं ऐसे करके फील्ड करता हूँ तो मैं छूट भी सकता है बॉल, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा गैप बना दिया मैंने। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि अगर हम चार्ज कर रहे हैं बॉल के ऊपर तो हम लोग हमेशा जाएंगे बॉल के पीछे एंड देन वी ट्राई टू कलेक्ट द बॉल एंड इट वी कम इन अ पोजिशन वेयर वी कैन थ्रो द बॉल। फील्डिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैचेस। कैचेस को लेना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैंने कैचेस पे एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आई एक्सप्लेन टेक्निक्स टू टेक कैचेस इन ग्रेट डिटेल, आप जाके वहाँ वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो आप किस चीज पे देखना पसंद करेंगे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, प्लीज राइट इट डाउन एंड डू लेट मी नो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि यू नो जस्ट वॉचिंग
all these videos will not help you. I want you guys to grow, so you must practice it. If you watch videos, you must implement it in your practice and only then you will be able to grow. So I hope your video is good. If your video is good, please like it. Share this video on your WhatsApp group. You can share your Facebook friends. I'll see you in the next video. Till then, keep smiling and practice hard, because I believe that you, my dear friend, are a future legendary fielder.